हुआ है। ये तस्वीरें अगर आप देखें टिप्पर की, ये तस्वीरें हैं, और जो ये तस्वीरें अगर आप देखें तो ये जो टिप्पर है रात को रेत लेकर आ रहा था, और इस टिप्पर में रेत से बड़ा ये टिप्पर था। और यहाँ के मोहल्लेदारों के अनुसार यहाँ पे कहना है कि इस टिप्पर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा रोका गया तो उसके बाद चालान काटने के लिए कहा गया। लेकिन आपको ये भी बता दें, ये कहना मोहल्लेदारों का है, जब ये ट्रक जो है, जब एक पुलिस कॉप जो है, पुलिस का जवान चला रहा था, तब ये इस ट्रक का जो है एक्सीडेंट हुआ, ये दीवार के साथ बजा और इसकी चपेट में तीन बड़ी गाड़ियां आई हैं, वो भी मैं तस्वीरों में बताऊंगा आपको। और ये पहले तस्वीरें देख लीजिए, ये टिप्पर की हालत है, और ये दीवार के साथ रात को बजा। और उस वक्त मोहल्लेदारों के अनुसार अगर बात करें तो ये टिप्पर जो है पुलिस का जो एक जवान चला रहा था, लेकिन इसकी चपेट में आपको बताऊं कि कितना नुकसान हुआ है। ये गाड़ी देखिए, बलिनो गाड़ी है, इस गाड़ी का भी जो है नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू परिवर्तन के माध्यम से बता रहा हूँ। ये देखिए सामने, ये दीवार पे ये टिप्पर जब बजा और उसके बाद तीन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलूं कि ये देखिए, ये बड़ा नुकसान जो है इस वक्त, ये देखिए तस्वीरें अगर आप देखें तो ये टिप्पर कितनी जोर से बजा है। और जो अंदर ये जो टिप्पर ये चला रहा था, जो पुलिस को आप अभी फिलहाल वो तो स्वस्थ ही है, लेकिन अगर मोहल्लेदारों की माने तो पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि रात को इस वक्त यहाँ पर वही लोग मौजूद थे। कितना नुकसान हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें देखें तो ये एक और गाड़ी है, ये गाड़ी अगर आप देखें इसको भी उस टिप्पर ने अपनी चपेट में लिया है। और ये देखिए, ये गाड़ी JK02BJ7161, इस गाड़ी को भी चपेट में लिया है। पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और मसला जो है यहाँ पर गंभीर है, क्योंकि अब मोहल्लेदार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि ये जो टिप्पर है उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चला रहा था। और साथ ही साथ अगर मोहल्लेदारों की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान है वो कौन भरेगा। लेकिन अब बड़ी बात हो, ये टिप्पर जो है, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चला रहा था ये टिप्पर उस वक्त जब रात को ये बड़ा हादसा हुआ, और नुकसान तो काफी हो चुका है, लेकिन पूरी जानकारी हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आपको ये भी बताते चले, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जुगल ठाकुर है। जुगल जी, हाँ जी, क्या पूरी वारदात हुई? पूरे रात को 11:45 से 12 बजे के बीच की बात है, ये टिप्पर ऊपर की डायरेक्शन से आया है और इसने पहले फर्स्ट मेरी वरना को हिट किया है, सेकेंडली मेरे जीजू की ये टियागो गाड़ी लगी है उसको हिट किया है इसने, थर्डली ये गली में मेरे छोटे ब्रदर की गाड़ी लगी है बेलिनो, इसको हिट किया है। तो ये जब जोर से आवाज आई तो हमारे नेबरर्स और हम सारे बाहर आ गए, एकदम से बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर दो ये टिप्पर ने हमारी गाड़ियां तोड़ दी है। हमने सबसे पहले उसके अंदर जो आदमी थे उनको बचाने के लिए सोचा, क्योंकि वो दोनों फंस चुके थे और वो पुलिस यूनिफॉर्म में थे। जब ये रात को टिप्पर चलाया जा रहा है, इसके अंदर कौन कौन था? जो इस टिप्पर का जो चालक था वो चला रहा था जम्मू कश्मीर, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के दो जवान थे, एक ड्राइविंग सीट पे था, एक कनेक्टर सीट पे था। जो कनेक्टर सीट पे था उनका नाम एम ए खान था, और जो ड्राइविंग सीट पे था उन्होंने अपनी नेम प्लेट फटाक से उतार कर अपने छुपा दी। उनका मैंने उनको बाय फेस पहचान सकता हूँ, क्योंकि उनकी टांगे भी इंजर्ड है, उनका मेरे ख्याल से उनको फ्रैक्चर है टांगों में और चेस्ट में, उनको ना दबाव हो रहा था, उनको सांस नहीं आ रही थी। हमने सबसे पहले उनको बचाया, रॉड से इस खिड़की को खोला और उनको वहां से हमने निकाला, क्योंकि अगर और 5-7 मिनट नहीं निकालते शायद वो मतलब कि उनके साथ जान जा जाए। काम भी किया है, इंसानियत का काम भी किया है जो करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का यही दायित्व होता है कि पहले इंसान की जान बचाई जाए, उसके बाद जो यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है, तीन गाड़ियां चपेट में आई और दो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जो है घायल हुए हैं। ये जो बताइए, जिनका टिप्पर था, जो ड्राइवर चालक था, वो कहाँ पे है? वो सर इसमें कोई चालक नहीं था, पर हमने अपने सोर्सेज से पता कराया है ये कोई भगवती नगर के बशीर हैं, ये इलीगल माइनिंग का काम करते हैं, पूरे रात धड़ल्ले से ये काम करते हैं, इनकी और भी गाड़ियां हैं, ये पूरे ये पुलिस के नेक्सस के साथ ही ये इलीगल माइनिंग चलती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉस हुआ है वो हमारे साथ कंपनसेट किया जाए, क्योंकि हमारा लॉस ये पूरे शेल चेंज होने वाले हैं गाड़ी के,
ठीक है, हमारा लॉस बियर तीनों गाड़ियां और हमारे एक ही परिवार की। कौन सी गाड़ियां हैं चपेट? पहली मेरी गाड़ी हुंडई वरना है, मेरे छोटे भाई की गाड़ी है बेलिनो है, और मेरे जीजू की गाड़ी है टियागो। तीनों का बारी से बारी नुकसान हुआ है, कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें ये कंपनसेट करें, हमारे साथ कंपनसेट करें बैठ के, जो हमारा इंश्योरेंस के अलावा बाकी लॉस है हमारा, जैसे कि मेरी बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नहीं है, फुल इंश्योरेंस नहीं है, दूसरी इंश्योरेंस है उसमें मेरा अलॉय व्हील सिंगल अलॉय 23,000 रुपए का, कम से कम मेरी गाड़ी का ही 70,000 रुपए का वरना का नुकसान है। ये टियागो तो 2-2.5-3 लाख से ऊपर ही होगा क्योंकि इसका शेल चेंज होना है, और ये बेलिनो का भी 3.5 लाख से ऊपर ही क्लेम बनेगा। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मोहल्लेदार मौजूद है, क्या अभी क्या बात है? रात से इनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें FIR कॉपी दीजिए, उस कांस्टेबल के ऊपर FIR लगनी चाहिए। उसके पास हमने उससे लाइसेंस मांगा, उसका आई कार्ड मांगा, ना उसने हमें आई कार्ड दे रहा था ना हमें अपना लाइसेंस दे रहा था। हमने तो एक इंसानियत की है, उसको बाहर निकाला है, हमने उसको बचाया, उसको वो अभी हॉस्पिटल में, उसका शायद आज ऑपरेशन है। ये पुलिस वाले एज पर ये जो अगर आपने पुलिस से बात की तो आपने उनको कहा कि इनके पास लाइसेंस नहीं था तो ये टिप्पर कैसे चला सकते? मेरी बात नहीं समझ रहे, टिप्पर ये हैवी व्हीकल, आपके पास नॉर्मल लाइसेंस होगा उस पर आप इसको नहीं चला सकते। वो नॉर्मल कोई आल्टो गाड़ी या छोटी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे, वो इसको चला रहे थे हैवी गाड़ी, उनसे कंट्रोल ली हुई और उन्होंने धड़ल ले लिए। ये तो हमारी गाड़ियों का नुकसान है। बाय द वे इधर कोई रोड पे चल रहा होता तो लोगों की जान जा सकती थी। देखिए हमने अपने इंसानियत का फर्ज निभाया, अब इनको भी चाहिए कि हमारे हम रात से अपनी FIR की कॉपी की डिमांड कर रहे हैं और हमें FIR नहीं दी जा रही है अभी तक, क्योंकि इनके पास कोई ड्राइवर ही नहीं है हैवी लाइसेंस वाला जिसको ये शो करेंगे। ठीक है, उसको इंजरी भी शो करने पड़ेगी, उसको लगी है, देखो पूरी गाड़ी प्रेस हुई है इनके, इसलिए हमें अभी तक FIR नहीं दे रहे हमारी और ना ही हमारे साथ। हमें FIR की हम FIR मांग रहे हैं, पर हमारे साथ अगर कंपनसेट करेंगे हम भी वो नहीं, मतलब हमें भी वो कांस्टेबल भी, चलो जो भी इलीगल काम कर रहा था रात को कैसे चला रहा था वो टिप्पर, क्या बताओ ये खुद ही इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ड्राइवर ही नहीं है तो ये कहां पर लेके जा रहे हैं गाड़ी। ये 1.5 महीना पहले भी गाड़ी सुभाष नगर में पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर के ऊपर चढ़ी थी, तब भी इन्होंने रफा दफा करके गाड़ी, यही गाड़ी इसी बंदे की 14 इसी की बशीर की गाड़ी, तब भी इन्होंने रफा दफा कर दिया था उस मसले को, क्या पता ही हो सकता है तब से उसको गाड़ी ही नहीं दी है, खुद ही रात को चला रहे हैं इसको। बड़ा हादसा देखिए हुआ तो है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर सुबह ये हादसा होता तो कितने लोग की जान जो है जोखिम में हो जाती, कितने लोगों की जिंदगी जो है वो। बोलिए एक्चुअली क्या है कि अभी हम तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रोटेस्ट तो कर रहे नहीं है, हम नॉर्मली से अपने FIR की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि ये अपने सुबह ताम जाम लेके 30-40 पुलिस वाले ले आए, इधर माहौल खराब करने की सिचुएशन में थे। हम लोग सारे ला को फॉलो करते हैं, सारे हमारे मल्लेदार अच्छे लोग हैं, ये हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी इधर ही हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि वो भी हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी FIR की कॉपी दी जाए, उस पुलिस कांस्टेबल के दोनों के नाम मेंशन होने चाहिए, तो उसके बाद ये अपनी गाड़ी ये इसको जबरदस्ती यहाँ से गाड़ी टिप्पर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेन ले आए हैं बिना FIR के। अब यही मसला है कि टिप्पर नहीं उठाने देंगे जब तक हमें FIR की कॉपी और FIR पे उन दोनों कांस्टेबल का नाम मेंशन होना चाहिए जो बैठे हुए थे गाड़ी में, उसके बाद हम ये गाड़ी उठाने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ड्राइवर जो पुलिस वाला था वो चला रहा था, जो साथ में थे उसके नेम प्लेट नहीं एमए खान, जो साथ में बैठे थे उनका एमए खान था नाम, जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे उन्होंने अपनी नेम प्लेट उठा ली हुई थी, उतार ली हुई थी, और ना वो हमें अपना आई कार्ड दे रहे थे ना हमें अपना लाइसेंस दिखा रहे थे। हमने उनसे मांगा वो तब तक उन्होंने दिखाया नहीं, फिर इतनी देर में फ्लाइंग की गाड़ी आ गई, हमें आगे पीछे करने लगे, क्योंकि तब हमारे पास वैसे भी हम मैन पावर में उस वक्त कम थे, 3-4 थे, अब वैसे भी हम मतलब पुलिस वाले पे फोर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि वो अपनी एक अपनी यूनिफॉर्म में उनकी एक गरिमा उनकी वर्दी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी ऐसा नहीं है कुछ पुलिस वाले गंदे गलत काम करने के चक्कर में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट निकल होता है। हम चाहते हैं हायर अथॉरिटी से कि वो जो कांस्टेबल कल्प्रिट है उसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। हमें कोई सब इंस्पेक्टर साहब से कोई गिला शिकवा नहीं है, बहुत अच्छे काम करे बहुत नए काम करे, अभी अपने ऑफिसर को बचाने के लिए अपनी इमेज खराब नहीं करे। हम चाहते हैं ये अब उस अपने कांस्टेबल पे FIR लगाए क्योंकि ये हमारे बहुत सेवा करते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं, हम ना सब इंस्पेक्टर साहब है, इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। हम चाहते हैं ये अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखे, अपने ऑफिसर को बचाने की कोशिश में अपनी सर्विस खराब नहीं करे, अपने सर्विस रिकॉर्ड खराब नहीं करे, अपनी प्रमोशन का रिकॉर्ड खराब नहीं करे। चलिए नुकसान तो हुआ है, बता दें रात को ये हादसा हुआ और भी यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी बात तो ये जब ये टिप्पर जो ट्रैफिक माफ कीजिएगा जो पुलिस कॉप जला रहा था लेकिन उसकी चपेट में 3 बड़ी गाड़ी आई, मोहल्ले में जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ उनसे भी बातचीत की और इनकी गाड़ी भी थी, सर कितना नुकसान हुआ है और रात को क्या पूरा कितने समय कितने बजे ये हादसा हुआ और कौन कौन यहाँ पर मौजूद था? जैसे कि सर मेरे बड़े भाई ने आपको बताया कि ये 12:15 से 12 बजे के बीच का टाइम होगा
कि यहाँ पे ये ऊपर की डायरेक्शन से आता है और ये जोर से हिट करता है, ये इतनी जोर से हिट करता है कि आसपास के जो घर हैं वो डर जाते हैं कि हुआ क्या है। तो उसी डर की वजह से, उस आवाज की वजह से पूरा मोहल्ला बाहर आता है। जब बाहर आता है तो उसके बाद देखते हैं कि एक ये टिपर यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे फंसा है, उसने गाड़ियां हिट की है और अंदर दो लोग हैं जो फंसे हुए हैं। ये क्या चीज थी जहाँ पे ये पूरा? ये पानी की टंकी बनाई थी, पानी की टंकी बनाई गई थी। दो एक सेकंड सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ, ये बता दीजिए यहाँ पर पानी की टंकी थी और सोचे कितनी रफ्तार से ये टिप्पर चलाया गया था या चला रहा था ये वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, इतनी जोर से ये हादसा हुआ है कि ये पूरी टैंकी वो जो है बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और अगर आप तस्वीरें देखें, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की कैप है और आप समझ सकते हैं इसको देखकर कि कितना बड़ा हादसा जो ये हुआ है, जिसकी चपेट में तीन गाड़ियां भी आई है और टिप्पर की क्या हालत है। ये तस्वीरें देखकर आप शायद बहुत हैरान होंगे, क्योंकि इस वक्त अगर टिप्पर की हालत देखिए तो ये स्टेयरिंग है और स्टेयरिंग जो है उसकी सीट के साथ जो है जुड़ गया है। कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, मोहल्लेदारों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताए पूरी जानकारी दी, तीन गाड़ियां। जी सर बोलिए। जी सर, तो जैसे आपने देख ही लिया है कि पुलिस वालों की यहाँ पे वो कैब भी पड़ी है उनकी, जो यूनिफॉर्म की है। तो हमने यहाँ पे रात को आके देखा कि दो लोग बीच में फंसे हुए हैं, तो अंधेरा होने के कारण हमें पता नहीं चला ये पुलिस वाले हैं। जैसे ही थोड़ी सी लाइट हमने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा पुलिस वाले यूनिफॉर्म में। एक तो ड्राइवर सीट पे था, उसकी नेम प्लेट नहीं थी। जो को ड्राइवर सीट पे था उसकी नेम प्लेट थी एमए खान। तो हमने लोहे की रॉड से, यहाँ पे काम चल रहा है नाले का, तो हमने वो लोहे की रॉड से उनको निकाला। थोड़ी देर बाद इनकी फ्लाइंग आती है, वो उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल। और हमारी रात से एक ही डिमांड है कि हमें FIR की कॉपी दी जाए। ऐसा क्या मसला है कि रात 12 बजे से लेके आज सुबह तकरीबन 8-9 बज गए हैं, हमें FIR की कॉपी नहीं दी जाए? क्या इसमें किसी को बचाया जा रहा है? इलीगल माइनिंग चल रही है, आपके सामने है। जब ये सब इलीगल है तो फिर ये सब कैसे चल रहा है? और बड़ी बात तो ये है, ना गाड़ी का कोई ड्राइवर है बीच में, ना गाड़ी का मालिक है बीच में। तो क्या इसका मतलब यही है कि पुलिस वाले ये सब काम खुद कर रहे हैं? जब पब्लिक सो जाती है तब ये काम शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नुकसान हुआ है, तीन गाड़ियों का नुकसान हुआ है, एक बैलिनो का नुकसान हुआ है, एक वर्ना का नुकसान हुआ है और टियागो का नुकसान हुआ है। तीनों गाड़ियों का टोटल नुकसान मिला के देखा जाए तो 6-7 लाख के बीच में नुकसान होगा। तो हमारी यही डिमांड है कि एक हमें FIR की कॉपी दी जाए और जो हमारा नुकसान है उसकी हमें जो है कंपनसेट किया जाए। चलिए, मोहल्लेदारों ने इंसानियत का काम तो किया, उस जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को तो बचा लिया, लेकिन जो इनका कहना है कि जो नुकसान हुआ है गाड़ियों का, जितनी भी गाड़ियां इसकी चपेट में आई है स्टिपर के, वो कंपनसेशन इन्हें दी जाए। और जो नुकसान इन्होंने बताया है लगभग 6-7 लाख का, लेकिन इंसानियत का काम तो किया, उस वक्त जो जम्मू कश्मीर पुलिस का आला अधिकारी टिप्पर चला रहा था उसको तो बचाया। और टिप्पर की क्या हालत है, तस्वीरें अगर आप देखें तो शायद बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। एक टंकी थी वो भी ध्वस्त हो चुकी है, इस टिप्पर की चपेट में यहाँ पर पानी की टंकी थी। और ये देखिए, और जिसका टिप्पर है, और अभी वो नहीं बताया जा रहा है कि जो उस वक्त, इससे पहले जब ट्रैफिक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो इस वक्त चला रहे थे या उससे पहले कौन चला रहा था, ये अभी बात जो है सामने। टिप्पर का जो नंबर है वो मैं आपको बता दूंगा, JK02CF5214, ये टिप्पर का नंबर है। और बड़ा हादसा जो है वो हुआ है, और आपको ये भी बता दूं ये बलिनो कार है और इसके साथ दो और गाड़ियां जो है वो चपेट में आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इस गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन मोहल्लेदारों का यही कहना है कि जब तक उस कॉप पर जो है FIR नहीं होगी, तब तक इस गाड़ी को लिफ्ट जो है नहीं किया जाएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। धन्यवाद।